12 ज्योतिर्लिंगों में से एक दक्षिण मुखी महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग है, जो लाखों भक्तों को निहाल करते हैं। और बाबा महाकाल की जो शिखर है, यहाँ पर तो तीन रूपों में बाबा महाकाल भक्तों को निहाल करते हैं। और बाबा महाकाल के प्रथम तल की बात करें तो ओमकारेश्वर के प्रतीक के रूप में भक्तों को निहाल करते हैं। और साल भर में एक दिन ऐसा आता है जब बाबा महाकाल का नागचंद्रेश्वर के रूप में दर्शन होता है, जो दूसरे माले पर हैं। उस साल में एकमात्र एक दिन आता है जहां नागचंद्रेश्वर के पट खोले जाते हैं, मंदिर के पट खोले जाते हैं। किस प्रकार की महिमा है पंडित जी? सबसे पहले तो आपका विस्तार में स्वागत है। क्या कहेंगे बाबा महाकाल दक्षिणमुखी होने के नाते कितना प्रभाव मानते हैं? देखिए, कालों के काल महाकाल, जिन्होंने कालों को वश में कर रखा वो भगवान महाकाल हैं। 12 ज्योतिर्लिंग में सिर्फ महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग है जो दक्षिण मुखी है। उज्जैन का इस हिसाब से देखा जाए तो हमारे यहाँ पर जो क्षिप्रा है एकमात्र नदी है जो उत्तर वाहिनी है। तो यहाँ पर जिन्होंने काल को वश में कर रखा है वो दक्षिण मुखी महाकाल, कालगन्ना के रूप में काल केंद्र भी यहाँ पर कहा गया है। इसलिए बहुत ज़्यादा अपन कहेंगे तो भगवान महाकाल आदि अनादि काल से अपने यहाँ पर प्रभाव के रूप में सब लोगों को आशीर्वाद देते आ रहे हैं। आकाशे तारकालिंगम पाताले हटगेश्वरम मृत्युलोक के महाकालम, चूँकि मृत्युलोक में भगवान महाकाल का पूजन किया जाता है और काल को जिन्होंने वश में कर रखा है, इसलिए भगवान महाकाल की महिमा अपरंपार है। बात करें ओमकारेश्वर जी की, ओमकारेश्वर भी बाबा महाकाल के भक्त कई जो ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग नहीं जा पाते तो यहाँ पर दर्शन करते हैं। जी, ये तीन मंजिली व्यवस्था में यहाँ पर मंदिर बनाया गया है। आप देखेंगे यहाँ पर भगवान का गर्भगृह है, जहाँ पर भगवान महाकाल हैं उनके ऊपर आप देखेंगे तो यहाँ पर ओमकारेश्वर स्वरूप में भगवान ओमकार विराजमान है। उनके ऊपर तीसरी मंजिल पर देखेंगे तो भगवान नागचंद्रेश्वर वहाँ पर विराजमान है, जिनका साल भर में एक बार ही दर्शन होता है। पंडित जी, एक चीज़ और समझना चाहेंगे, कई हमने ज्योतिर्लिंग देखे हैं, कई बड़े बड़े देव स्थल देखे हैं, पर ज्योतिर्लिंग महाकालेश्वर का ज्योतिर्लिंग ऐसा है जहाँ शिखर दर्शनम पाप नाशनम कहा भी जाता है। जो भक्त बाबा महाकाल के दरबार में नहीं आ पाते हैं तो दूर से ही बाबा के शिखर को प्रणाम करते हैं, कितना पुण्य मिलता है उनको? देखिए, इसमें भगवान ऐसा कहेंगे, भगवान महाकाल की जो महिमा है पूरे विश्व में फैलती जा रही है। 125,000 दर्शनार्थी लगभग आम दिनों में यहाँ पर आ रहा है। शनि रवि सोम 2.5 लाख के ऊपर चला जाता है और उत्सवों पर तो 10-10 लाख की संख्या यहाँ पर क्रॉस हो गई है। ऐसा हम कहेंगे शिखर दर्शनम पाप नाशनम, ये बिल्कुल सही है। भगवान महाकाल, जो लोग अंदर नहीं आ पाते हैं भगवान महाकाल के दर्शन करते हैं तो निश्चित रूप से उनके पाप का क्षमन होता है शिखर दर्शन करने से। एक चीज़ और समझना, श्री यंत्र भी शिखर पर विराजमान है, क्या कहेंगे? जी, भगवान महाकाल के ऊपर जब हम ऊपर ड्रोन से या आसमान उससे देखते तो यहाँ पर श्री के रूप में भगवान का शिखर का निर्माण किया गया है। चारों ओर से श्री की प्राप्ति और भगवान महाकाल की सब लोगों के भक्तों को दर्शन देते रहें और हमेशा अखंड व्यवस्था बनती रहे। इसीलिए कालों के काल महाकाल को राजा धीराज कहा जाता है। और राजा धीराज होने के नाते जो भी प्रजा बाबा महाकाल के दरबार में आती है उनके सभी के दुख दूर करते हैं। मेहरबान सिंह ठाकुर के साथ संतोष कृष्णानी, विस्तार न्यूज़, उज्जैन।